जनसंख्या हेतु खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन में कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन अंधाधुंध, अवैज्ञानिकता व असुरक्षित तरीके से कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार कटी फटी त्वचा, उंगलियों एवं पांव इत्यादि पर कीटनाशक गिरने से त्वचा के गंभीर रोग हो जाते हैं। कीटों खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कीटनाशकों के समुचित प्रयोग की नवीनतम जानकारी किसानों तक पहुंचाना अति आवश्यक है, ताकि इनके प्रयोग से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और अंधाधुंध व असुरक्षित तरीके से कीटनाशकों के प्रयोग को रोककर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सके। 1950 में हमारे देश में जहां 2000 टन कीटनाशकों की खपत होती थी, वहीं अब ये बढ़कर लगभग 90,000 टन पहुंच गई है। 60 के दशक में देश में जहां 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कीटनाशकों का छिड़काव होता था, वहीं अब लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि भारत में पैदा होने वाले अनाज, सब्जी, फलों व दूसरे उत्पादों में कीटनाशकों की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। हमारे देश में प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों के प्रयोग की जाने वाली मात्रा विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में इनके प्रभावशाली परिणाम नहीं मिलते। पेस्टिसाइड उपयोग के लिए चुने गए छिड़काव उपकरण का प्रकार, फसल के पैटर्न और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। उत्तरी भारत में विशेष रूप से कपास के बढ़ते क्षेत्रों में, गेहूं में गुल्ली डंडा खरपतवार वाले क्षेत्रों में, धान गेहूं फसल चक्र क्षेत्रों में बहुत अधिक कीटनाशक मैनुअल रूप से संचालित मशीनों के माध्यम से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि बैटरी एवं ट्रैक्टर संचालित स्प्रे उपकरणों का प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन सभी अनियमितता के बारे में जागरूकता लाने हेतु हमेटी संस्थान जिंद द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया और कृषि विभाग द्वारा संस्थान को इस प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु 108 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए। संस्थान द्वारा 5 दिवसीय 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सहित अन्य सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए। जैसे ये शूज है, पूरे जो है पूरे तक उन्होंने जो है ढका हुआ है, यहाँ तक इसमें जो है कोई जीव जंतु सांप जैसे उस टाइप का भी बाई चांस को है उससे भी बचा होगा। दूसरा, इन्होंने जैसे प्रयोग करने के लिए हाथों दस्ताने, पूरे शरीर को ढकने के लिए जो है नीचे से ऊपर तक कोट ड्रेस, मुंह को बचाने के लिए सांस के थ्रू बचाने के लिए आपका मास्क, आंखों को बचाने के लिए चश्मा, सिर से जो एंटीना करें सिर के ऊपर भी टोपी कवर होना चाहिए हमारा। तो इस प्रकार की पूरी कंप्लीट ड्रेस जो है हमारी। संस्थान की ओर से प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को सलाह दी गई कि कीटनाशक दवाई खरीदने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दवाई विश्वसनीय व लाइसेंसशुदा दुकानदार से ही खरीदें। किस कीट खरपतवार बीमारी को नियंत्रण करना है, पैकिंग पर यह स्पष्ट लिखा हो। दवाई उतनी ही खरीदें जितनी उस मौसम में या खेत में इस्तेमाल हो सके। लेबल पर बैच संख्या, पंजीकरण संख्या,
निर्माण और एक्सपायरी तिथि अवश्य देखें एवं एक्सपायरी तिथि खत्म होने पर कीटनाशक बिल्कुल भी न खरीदें। कीटनाशकों को उनकी विषाक्तता के आधार पर ही खरीदें। लाल और पीले निशान वाले कीटनाशकों का छिड़काव करने से बचें। अधिकतर हरे या नीले निशान वाले कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। दवाई असली पैकिंग में ही खरीदें, खुली दवाई न खरीदें। कीटनाशकों के ऐसे कंटेनर जो लीक या खुले हों या फिर जिन पैकेटों पर सील न हो उन्हें खरीदने से बचें। कीटनाशक दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए भी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय कीटनाशक दवाई का डिब्बा कसकर बंद होना चाहिए। दवाइयों को कभी भी खाने के सामान के साथ में न लेकर चलें। स्टोर से खेत में जाते वक्त दवाई के डिब्बे कंधे या पीठ पर लाद कर न ले जाएं। कीटनाशक दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के समय अगर कपड़ों या शरीर पर गिर जाए तो तुरंत उसे पानी से धो लें। इस प्रशिक्षण से किसान फसलों में वैज्ञानिक तरीके से स्प्रे करके अन्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। और इसमें से किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। मेरा नाम मोहित है, गांव मोहना में जिला जींद है। मैंने यहाँ पे जींद मेटी में 5 दिन का कैंप अटेंड किया है जिसका शीर्षक स्प्रे टेक्निक एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ पेस्टिसाइड है, यानी पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कैसे करें, मतलब कब करना कैसे करना, ये सभी बातें सिखाई गई है हमें इस कैंप में, जिसमें मुख्यतः बात ये है हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तभी करें जब हमें वास्तविकता में इसकी ज़रूरत हो, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें। और इस्तेमाल मतलब और पेस्टिसाइड जो हमें दवाई की जो ज़रूरत है, दवाई या जहर की ज़रूरत है, वो हमें किसी लाइसेंस वाली दुकान से लेना चाहिए या कोई और उसके MFD डेट और एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, ये सभी चेक करके लेना चाहिए। और हमारी किट का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हमारे जो जूते आ गए, हाथों के लिए ग्लव्स आ गए, और आँखों के लिए चश्मे, नाक के लिए मास्क, और सर पे हमारी कैप होनी चाहिए जिसमें इस किट की वजह से हमारा जो पेस्टिसाइड है वो शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और जब हम स्प्रे करते टाइम हमें मौसम का वायु की दिशा का जायजा ले लेना चाहिए पहले। मैं सुल्तान सिंह, गांव जलालपुर कलां, जिला जींद से बिलोंग करता हूं। पिछली बार यहां हमारा जींद अमेठी संस्थान के दौरान ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम जब भी बाज़ार जाते हैं, स्प्रे का टाइम आता है, तो उसमें लाइसेंस शुदा से ही दवाइयां लेते हैं। इसमें खासकर ध्यान रखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट, ये ज़रूरी पाया। इसमें हमने फ़ायदा बहुत मिला नहीं है। इसके दौरान कई बार दवाई ऐसे कैसे दी जाती थी विक्रेता द्वारा, और अब इस जितने ये निर्देश पढ़ाए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई थी, वो निर्देश को अपनाते हुए मेरे को फ़ायदा बहुत मिला है। कम लागत में इसमें स्प्रे हो जाता है और कम टाइम की बचत कम होती है जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, स्नोप श्री पृथ्वी सिंह, गांव चिंदर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मैं यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया था। तो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ये चीज़ पता चला, पहले हमें अब खेत में जाके हमें चेक करना चाहिए हमें क्या प्रॉब्लम है हमारे खेत में, फिर हम वो प्रॉब्लम लेके हमारे नज़दीक की जो हमारा डॉक्टर होगा एग्रीकल्चर विभाग में, उसके पास जाके हमें पता करना चाहिए हमारे खेत में ये प्रॉब्लम आ रही है सर, हम इसमें क्या करेंगे। वो हमें जो भी रिकमेंडेशन करेगा दवाई के लिए, हम वो दवाई हम उस डीलर से लाके और वो दवाई हमारे खेत में करेगा, तो हमारा उससे क्या है कि हमारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा हमें उससे रिलेटेड। और इसमें आके हमें ये भी पता चला कि हमें दवाई कैसे करनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए। पहले क्या था, हम जैसे दवाई करने जाते थे, हमें दवाई मिल जाती थी, हम खेत में दोपहर को ही करने चले जाते थे, पर इस यहाँ के हमें पता चला कि हमारे दवाई करने का जो
दवाई करने का जो टाइमिंग है वो ही फिक्स है, क्योंकि हम उस दवाई को हम दोपहर में करेंगे तो हमारा जो दवाई का रिजल्ट है उतना बेटर नहीं आएगा। मेरा नाम रामकर्ण है, मेरा गांव अशरफगढ़ दोड़ी। मैं 8 एकड़ की खेती करता हूँ। मैंने अमेठी में स्प्रे टेक्निक की ट्रेनिंग ली। यहाँ हमें बताया गया बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बहुत सारे दवाइयों के बारे में। पहले हम खेत में जो भी छिड़काव करते थे उनके ना तो क्वांटिटी का ध्यान रखते थे, कितने मात्रा में डालनी चाहिए कितने में नहीं डालनी चाहिए। पहले हम यही 100 ग्राम 200 ग्राम उसके हिसाब से ही डालते थे, जो हमें जहाँ से हम दवाई खरीद के लाते थे दुकान वाले जो भी बताते थे उसी का ध्यान रखते हुए हम छिड़काव करते थे। लेकिन जब हम मिट्टी में ट्रेनिंग के लिए हम आए, हमें कई डॉक्टर साहब ने, बड़े बड़े डॉक्टर साहब आए यहाँ, उन्होंने ट्रेनिंग दी। उससे पता चला कि कितनी मात्रा में कब कब किस दौरान छिड़काव करना चाहिए और किन किन बातों का छिड़काव के समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम पूरे ड्रेस होती है, जैसे स्प्रे की जो भी स्प्रे छिड़काव करते हैं उसमें ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम ऐसे ही खुले बदन से या नंगे शरीर से छिड़काव करते थे जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती थी। इससे हमें यहाँ ट्रेनिंग के बाद ये भी पता चला कि इसके लिए प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, वो डाल के स्प्रे करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद हमें न केवल पैदावार में बढ़ावा मिला बल्कि खर्चे में भी बहुत सारा फायदा रहा। जैसे पहले हमारा किसी भी एकड़ में 5,000 का खर्चा था, अब घट के 2,000 आ गया है और पैदावार बढ़ गई है। स्प्रे तकनीकों का फसल उत्पादन में बहुत अहम रोल रहता है और कई बार किसान देखते हैं हम फील्ड में बहुत गलतियाँ करते हैं, नंगे हाथों से स्प्रे को मिला देते हैं, किसी हाइट पे करते हैं, कभी ऊंचा करते हैं कभी नीचा करते हैं, और जो स्प्रे तकनीक के उपकरण हैं उनका भी अच्छे से प्रयोग नहीं करते। इन सारी अनियमितताओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को सबमिट किया था और सरकार द्वारा ऐसी कंपोनेंट के तहत हमें 108 लाख रुपये दिए और अमेठी संस्थान द्वारा इस विषय में 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए। 30-30 किसानों के 30 बैच हमने पूरे हरियाणा से बुलाए और उनको हम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और इसमें किसान बहुत रुचि ले रहे हैं, किसान आगे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें पहले इनके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि कि स्प्रे को कब घोलना है, कैसे घोलना है, कितने बजे स्प्रे करना है और किस हाइट पे स्प्रे करना है, और नंगे हाथों से भी उनको पता नहीं था क्योंकि कई बार हम नेल्स काटते हैं तुरंत और उसके अंदर पेस्टिसाइड चला जाता है, स्किन पे हमारी गिर जाता है और जो उपकरण है स्प्रे वो भी उच्च क्वालिटी के नहीं होते। तो इसको पूरे को सिस्टम को देखते हुए, पूरी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरी स्कीम बनाई और स्प्रे टेक्निक के जितने भी PPT है वो पूरी की पूरी, यानी उपकरण है सुरक्षा के, वो सारे भी हम प्रशिक्षण के बाद किसानों को देते हैं, साथ में एक सर्टिफिकेट देते हैं। जब वो फील्ड में जा रहा किसान खुद कह रहे हैं कि हमारी अलग आइडेंटिटी है अब, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम ट्रेंड स्प्रे मैन हैं, क्योंकि वो स्टीक जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं और इन यहाँ से प्रशिक्षण लेने उपरांत जितने भी स्प्रे वो कर रहे हैं उनका अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और हम स्प्रे के साथ साथ जो किट देंगे उसमें ग्लाउज, मास्क, हेड गियर, शूज और पूरी PPT किट और एक उच्च क्वालिटी का हमारा जो स्प्रे है पंप उसको भी साथ साथ दे रहे हैं, ताकि वो फील्ड में जाके ये महसूस ना करें कि प्रशिक्षण तो दिया लेकिन जिन सुरक्षा उपकरणों का जिक्र किया वो नहीं दिए। तो पूरी कंप्लीट किट हम साथ में किसानों को दे रहे हैं और किसानों की आय में ऐसा करने के बाद ज़रूर इजाफा होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और वो जो फसल उत्पादन में अहम रोल रहता है स्प्रे तकनीक का, वो भरपूर पूर्ण होगा।